अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनमें से गॉस सीडल मेथड को डिस्कस करेंगे और इस मेथड को यूज़ करते हुए हम एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। सो गॉस सीडल मेथड होता क्या है? अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, गॉस सीडल मेथड इज़ एन आइटरेटिव मेथड यूज टू सॉल्व अ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। It is a method which is used to get solution of simultaneous equations. Simultaneous equations मतलब आपको दो या दो से ज़्यादा equations given होती हैं, आपने उनको solve करना होता है using Gauss Seidel method और x, y और z की values निकालनी होती है। अब इसकी हम example देख लेते हैं। हमारे पास तीन equations given हैं। अब इन तीन equations को हमने use करना है और x, y और z की अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज निकालनी है। एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गॉस सीडल मेथड यूज कब किया जाता है। इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कॉफिशेंट है 4, वो y के कॉफिशेंट और z के कॉफिशेंट से बड़ा है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन में x का कॉफिशेंट y का कॉफिशेंट और z के कॉफिशेंट में से y का कॉफिशेंट बड़ा है x और z के कॉफिशेंट में से, तो हम y की वैल्यू यहां से निकालेंगे। इसी तरह थर्ड इक्वेशन में z का कॉफिशेंट बड़ा है तो हम z की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर तीनों वेरिएबल्स में से किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का कॉफिशेंट रिमेनिंग दोनों कॉफिशेंट से ज़्यादा आता है तो ये मेथड यूज करने से आंसर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो इक्वेशंस हमें गिवन है इनको हम 1, 2, 3 इक्वेशंस लेबल कर देंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, अच्छा अब हमने पहले क्या कहा था कि जिस वेरिएबल का कॉफिशेंट बड़ा हो हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अब इन तीनों में से x का कॉफिशेंट बड़ा है y और z से, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम इक्वेशन लेते हैं, अब इनमें से x का कॉफिशेंट बड़ा है तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो 4x यही रहेगा इक्वल्स 4 और ये y और z की वैल्यूज इक्वल्स के दूसरी साइड पे चली जाएंगी। हमें x, y और z की वैल्यूज चाहिए होती हैं, x, y, z के वेरिएबल सिंपल चाहिए होती हैं, उनकी जो वैल्यूज होती हैं वो हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो x के साथ यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x इक्वल्स टू 1/4 4 माइनस वाई माइनस 2z। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी वहां से हमने ये इक्वेशन बना ली x की इक्वेशन। अब हम इसी तरह सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारे पास। अब सेकेंड इक्वेशन है वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह हम थर्ड को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने तीन इक्वेशंस को रीराइट कर लिया, अब हम आइट्रेशंस पे आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाती है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन में हम हमेशा वैल्यूज जीरो लेते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन पे आ जाते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन में हम x की वैल्यूज को कंसीडर करेंगे। तो x की वैल्यूज हमारे पास क्या थी? x हमारे पास x की इक्वेशन ये थी। हम x की इस इक्वेशन को यूज करेंगे और इनिशियली हमारे पास y और z की वैल्यूज नहीं है। तो इनिशियली y और z की वैल्यूज हमने क्या ली है? 0, 0। x की भी 0 है लेकिन फर्स्ट आइट्रेशन में हम x की वैल्यू को लेंगे, x की जो इक्वेशन है उसको लेंगे। तो हम x की इक्वेशन लिखते हैं। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है।
फर्स्ट आइटरेशन में x लेंगे और y और z की वैल्यू को 0 लेंगे, क्योंकि इनिशियली हमारे पास ये 0 है. तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x तो इनिशियल वैल्यू जो x की आ गई हमारे पास वो फर्स्ट आइटरेशन में x की वैल्यू 1 आ गई. अब हम जब सेकेंड आइटरेशन में आ रहे हैं, फर्स्ट आइटरेशन में सेकेंड वेरिएबल पे आ रहे हैं, तो हम y लेंगे, y की इक्वेशन लेंगे. अब हम y की तो वैल्यू ये लेंगे, लेकिन जब हमने फर्स्ट आइटरेशन में x की इक्वेशन ली थी तब हमने y भी 0 लिया था और z भी 0 लिया था, क्योंकि इनिशियली y और z की वैल्यूज हमारे पास मौजूद नहीं थी. लेकिन जब हम फर्स्ट आइटरेशन में सेकेंड वेरिएबल पे आए हैं, y की वैल्यू इक्वेशन हमने ली है, तो हम x की वैल्यू जो अभी हमने x की वैल्यू निकाली है हम वो लेंगे. तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 और z की वैल्यू अभी तक हमने नहीं निकाली तो z की वैल्यू 0 आ जाएगी. तो ये वैल्यूज हम x की और z की वैल्यूज इक्वेशन में पुट करेंगे. तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.8. अब हम फर्स्ट आइटरेशन में थर्ड वेरिएबल पे जाएंगे. अब हम जब इक्वेशन z की ले रहे हैं तो x और y की वैल्यूज आ जाएंगी, और x की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 0.8. तो क्या करते हैं, हर अगले स्टेप पे पिछले स्टेप की वैल्यूज यूज हो जाती हैं. तो जब हमने x सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास y और z की वैल्यूज नहीं थी, इसीलिए हमने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 0 लिया था, हमने वो वैल्यूज यूज कर ली. जब हम y की वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास x की वैल्यू तो आ चुकी थी, z की वैल्यू नहीं थी, तो हमने x की वैल्यू यूज कर ली, z की जगह हमने 0 पुट कर दिया. इसी तरह हम जब थर्ड आइटरेशन पे आ रहे हैं तो z की इक्वेशन यूज कर रहे हैं, x और y की वो वैल्यूज यूज करें जो हमने अभी कैलकुलेट की है. तो z की वैल्यू आ गई 0.8. तो हमने क्या किया, फर्स्ट आइटरेशन में तीनों वेरिएबल्स की हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली. फर्स्ट आइटरेशन में जो हमने वैल्यूज निकाली थी, तो आइटरेशन फर्स्ट थी तो हमने जो x की वैल्यू निकाली थी उसको हम x1 लेबल करेंगे, जो हमने y की वैल्यू निकाली थी उसको हम 1 होगी, और जो z की वैल्यू है वो भी z1 हम कहेंगे, क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट आइटरेशन है. तो जब सेकेंड आइटरेशन की बारी आएगी तो सेकेंड आइटरेशन में क्योंकि आइटरेशन सेकेंड है तो जो x की वैल्यू है उसको हम x2 कहेंगे, जो y की वैल्यू कैलकुलेट होगी उसको हम y2 कहेंगे, और z की जो वैल्यू होगी उसको z2 कहेंगे. इसी तरह हम जब थर्ड आइटरेशन पे जाएंगे तो इन तीनों वेरिएबल्स को 3 लेबल करेंगे, इसी तरह 4, 5 एंड सो ऑन. सेकेंड आइटरेशन में मैंने क्या किया है, सेकेंड आइटरेशन में क्योंकि x की इक्वेशन यूज करनी है सेकेंड आइटरेशन में, तो x की वैल्यू हमने ली, x की वैल्यू में क्योंकि x की वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन ये लेंगे x की, और y और z की वैल्यूज हम वो लेंगे जो अभी हमने फर्स्ट आइटरेशन में सॉल्व की हैं. तो जो फर्स्ट आइटरेशन में y की वैल्यू 0.8 थी और z की वैल्यू 0.4 थी, तो हम सेकेंड आइटरेशन में y और z की जगह न्यू वैल्यूज यूज करेंगे. तो x2 इक्वेशन में हमने y की जगह 0.8 पुट कर दिया, z की जगह 0.4 पुट किया, तो हमारे पास सेकेंड आइटरेशन में फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आ गई 0.6. इसी तरह हम सेकेंड वेरिएबल पे जाएंगे, y वेरिएबल पे. तो y वेरिएबल में क्योंकि हमने y के लिए सॉल्व करना है तो इक्वेशन हम y वाली यूज करेंगे, लेकिन x की अब हम यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि जो फर्स्ट आइटरेशन में x की वैल्यू थी वो 1 थी, लेकिन सेकेंड आइटरेशन में x की वैल्यू 0.6 आ गई. तो हम जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो अपनी वैल्यूज जो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी होंगी हम उनके साथ उनको अपडेट कर देंगे. तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 0.6 लेंगे जो कि अभी हमने सॉल्व की है, 1 नहीं लेंगे. तो 0.6, और क्योंकि y की वैल्यू अभी तक हमारे पास नहीं आई न्यू वैल्यू, तो हम वही पुरानी वाली 0.4 यूज करेंगे जो हमने फर्स्ट आइटरेशन में सॉल्व की है. तो वैल्यूज पुट करेंगे तो y2 की वैल्यू आ गई 0.96. इसी तरह हम सेकेंड आइटरेशन के थर्ड वेरिएबल पे जाएंगे तो क्योंकि हम z वेरिएबल के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन हम z वाली लेंगे और x और y की वैल्यूज ले लेंगे. तो x की हम न्यू वाली वैल्यू ले लेंगे और y की वैल्यू अब 0.4 नहीं लेंगे, y की वैल्यू जो नई आई है हम वो वाली वैल्यू लेंगे.
इसी तरह हम थर्ड आइट्रेशन करेंगे। आइट्रेशन हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास दो तीन एक जैसे आंसर्स नहीं आ जाते। इसी तरह हम 5 to 6 आइट्रेशन करेंगे, डिपेंड्स ऑन आंसर कि आपका कब आंसर्स रिपीट होना शुरू होंगे। तो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैंने 5 आइट्रेशन की हैं। आइट्रेशन करने के बाद आपने उन वैल्यूज को एक टेबल की फॉर्म में लिखने हैं। टेबल की फॉर्म में लिखने से ये होता है कि आपको आंसर्स निकालने में आसानी होती है। अब एक्स की वैल्यूज पे जीरो आइट्रेशन पे जब इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पे हमने वैल्यू जीरो ली थी तो हमारे पास तीनों वैल्यू जीरो थी। जब फर्स्ट आइट्रेशन थी तो उसमें एक्स की वैल्यू 1 आई थी, वाई की वैल्यू 0.8 आई थी, जी की वैल्यू 0.4 आई थी। इसी तरह सेकेंड आइट्रेशन हमने की थी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जब मैंने 5 आइट्रेशन का रिजल्ट आया कि इन यहाँ पे वैल्यूज जो है वो आंसर्स मेरे रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया। अगर तो आपको कहा जाए कि आपने इतनी अप्रोक्सीमेशन करनी है, कोई आपको फिगर दिया जाए तो आपने फिर उतनी आइट्रेशंस करनी है, वरना आपने जब आंसर्स रिपीट होने शुरू हो जाएं तो आपने आइट्रेशंस को स्टॉप कर देना है। अब जो x की वैल्यूज हैं, x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने 0.5 लिखी। क्यों? क्योंकि देखिए 1, 0.6, 0.5, 0.508, 0.5004 इन वैल्यूज में 0.5 ऐसी वैल्यू थी जो अगेन रिपीट हो रही थी, तो x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास 0.5 आ जाएगी। अब y की वैल्यूज को देख लेते हैं। y की वैल्यूज में 0.9 जो है वो रिपीट हो रहा है, 0.96, 0.99, 0.9984। तो हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.9 लेनी है। 0.9 भी ले सकते हैं और हम इसको 1 भी लिख सकते हैं। 1 क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आउट ऑफ 6 वैल्यूज 4 वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें 0.9 के बाद की जो वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर है, तो हम 0.9 को अप्रोक्सीमेट 1 लिख सकते हैं। तो इस वजह से मैंने y की वैल्यू को 1 लिख दिया। इस तरह z की वैल्यूज 0.4 रिपीट हो रहा है। 0.4 को मैंने अप्रोक्सीमेट 0.5 क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि आउट ऑफ 6 वैल्यूज में से 4 वैल्यूज ऐसी हैं कि जिसमें 0.4 के बाद हमारा आंसर जो है वो जो वैल्यू आ रही है वो 5 से ग्रेटर है, तो हम 0.4 को अप्रोक्सीमेट 0.5 लिख सकते हैं। तो ये था गॉस सीडल मेथड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।